उत्तर प्रदेश में नैना अजूबे, मतलब के पोल बीच रोड में लगाए जाते हैं अजूबा, ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इन लोगों को दिखाई नहीं कि इस रोड के बीच में पोल भी आ रहे हैं, यानी कि इन्हें पहले देखना चाहिए था, इन पोलों को पहले हटाना चाहिए था, बल्कि ये इस इंतजार में है, इन पोलों से टकराकर आए दिन जो हादसे हो रहे हैं इन्हें इसका इंतजार है, कोई बड़ी घटना हो तब इन पोलों को यहाँ से हटाया जाए। मैं आपको बता दूं कि बरेली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रिठौरा, और रिठौरा से ही आगे है कांडू का पुल। कांडू के पुल के पास में ही आप देखेंगे कि NH ने रोड तो डाला, बरेली से पीलीभीत तक बहुत अच्छा रोड किया है, पूरनपुर निकल जाइए बहुत अच्छा रोड है, लेकिन उस रोड के बीच में कितनी बड़ी लापरवाही छोड़ दी है इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ पर जो बिजली के पोल खड़े हैं उनको देखकर लगा सकते हैं। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले भी एक अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया था कि आए दिन इस दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। अब आप देख सकते हैं दो पोल ये लगे हुए हैं और एक पोल ये है, ये जो लाइन है यहाँ से जुड़कर इस वाले पोल पर आइए, इसके आगे कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन सीधा सीधा मामला ये है कि नेशनल हाईवे को सोचना चाहिए था, NH को ये सोचना चाहिए था कि जब रोड पड़ा है तो इन तारों को भी हटा दिया जाए। बिजली विभाग की लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखने के लिए ये मिल रही है कि आपने मेन रोड पर इन पोलों को लगा रखा है, बताइए, जबकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हाईवे पर ज़रूरत नहीं है पोल की, लेकिन पोल यहाँ पर गड़े हुए हैं और उन पर बिजली भी चल रही है और आगे बिजली की सप्लाई है ही नहीं, ना ही केबल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं ये पीलीभीत का रोड दिखा रहा हूँ आपको, कांडू के पुल के पास का ये रोड है जी, पहले रोड डलवाया गया, इन लोगों को दिखाई नहीं कि इस रोड के बीच में पोल भी आ रहे हैं, हाँ, यानी कि इन्हें पहले देखना चाहिए था, इन पोलों को पहले हटाना चाहिए था, बल्कि ये इस इंतजार में है, इन पोलों से टकराकर आए दिन जो हादसे हो रहे हैं इन्हें इसका इंतजार है, कोई बड़ी घटना हो तब इन पोलों को यहाँ से हटाया जाए। यही बात है तस्वीरें यही दर्शा रही है जी, मुझे लगता है जब ये रोड पड़ा था एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कोई आकर तेजी में आने वाला वाहन वहाँ से जब टर्न करेगा, बताइए क्या ये पोल दिखेंगे यहाँ? नहीं, उसे टर्न करने वाले को रात में उसकी अगर लाइटें डिम होती हैं, सामने से आने वाली गाड़ी का फोकस पड़ता है, और कोई गाड़ी से आने वाला व्यक्ति अगर इसमें टकरा जाता है, क्या बड़ा हादसा होगा या नहीं? इससे बड़ी लापरवाही की बात नहीं, बल्कि आप ये सोचिए इसका मेजरमेंट किया होगा, इस पर पटान चला होगा, हाँ। उसके बाद यहाँ पत्थर पड़ा होगा, क्या ये पोल उन्हें नज़र नहीं आए? या आने वाले JEE वगैरह को ये पोल नज़र नहीं आए? कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग की, उन्हें पोल नहीं दिखे? सर्वे करने वाले इंजीनियर आए, उन्हें क्या ये पोल नहीं दिखे? और एक दो लोगों का काम भी नहीं है, ये विभाग के सारे अधिकारी आए, ठीक है, हर विभाग के अधिकारी आए, बिजली विभाग वालों ने भी देखा, PWD वालों ने भी देखा, किसी को भी नजर नहीं आया। अच्छा एक बात और है, इस ये अगर रोड लोकल रोड होता सामने से जब तो एक अलग चीज है, बताइए पहले ये हाईवे रोड है, एक नेशनल हाईवे है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है, इसे गुजरने वाले लखनऊ के लोग निकलने वाले लोग भी जाते हैं पीलीभीत होकर, तो बरेली को जोड़ता है, बरेली को जोड़ने वाला हाईवे है, और यहाँ बताइए ये पोल हटा, उत्तर प्रदेश में नैना अजूबे, मतलब के पोल बीच रोड में लगाए जाते हैं, अजूबा ऐसी चीज उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। इन पोलों का हटना तो उसी वक्त जरूरी था जब ये रोड पड़ा था, क्योंकि एक रोड बराबर में, ये जस्ट मैं आपको बता दूं, ये पहले रोड चलता था, ये वाला रोड चलता था, उसके बाद में जब ये रोड इधर से निकाला गया है, क्योंकि पास में मंदिर और दरगाह भी है आमने सामने, इसलिए इस रोड को इधर से निकाला गया, तो जब इधर से रोड निकला तो पटान हुआ, फिर ये सारा कुछ नया डेवलप किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बताइए पहले, ये छोटा सा पोल नहीं है, छोटा सा खंभा नहीं है, छोटा सा कोई वायर नहीं है, 11,000 वोल्टेज की लाइन है इस पर, और कभी भी ये अगर तार टूटता है, किसी भी वाहन को छू जाता है, तो मुझे लगता है गाड़ी के अंदर बैठने वाले सारे लोग हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, और फिर आए दिन यहाँ पर गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, रात का वक्त होता है, लोगों को नहीं पता है कि किधर करके ड्राइव करना है, कैसे करके कट करना है, और आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है पीलीभीत हाईवे पर, मैं आपको बता दूं पीलीभीत वाले इस रोड पर बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है, तो हम भी यहां पर रुके और हमने भी इसको देखा था, हम भी निकलते हैं, सब कुछ देखने के बाद में बड़ा अजीब सा लगा कि बताइए पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं, बड़ा अपने आप में एक सोचने का ये हुआ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं इंजीनियर, अगर NH को ये होना चाहिए था जब रोड इसको चालू नहीं करना चाहिए था जब तक तार नहीं हटता, नहीं बिल्कुल है ना, बिल्कुल भाई तार नहीं हटता, और NH का अगर NH ये कह रहा है कि हमारा काम नहीं है, नहीं बिल्कुल भाई सीधी सी बात है, NH का कहना है कि हमारा काम नहीं है, लेकिन आपके काम में बाधा तो बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बाधा तो बिल्कुल बिल्कुल NH वाले बिल्कुल सकते हो, हाँ उन्हें बिजली विभाग वालों को अलर्ट करते वो हटवा देते हैं, हटवा देते उसके बाद में इस रोड को क्लियर करना चाहिए था, अब हादसे बहुत हो गए हैं और ना जाने अब उन लोगों को और कितने हादसे होने की मुझे लगता है उम्मीद जता रहे हैं वो, और कितने हादसे इस रोड पर अभी और देखना बाकी है जी, किसी दिन हो सकती है, किसी भी समय कोई भी बड़ी दुर्घटना इस पर, गवर्नमेंट हमारी बेटर काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ने बेटर काम किया, एक अच्छे रोड दे रही है, पर उसके साथ हमारी गवर्नमेंट पर इन लोगों पर भी फोकस करना चाहिए, जो ये बीच में पोल आ रहे हैं, जो चीज़ें ठेकेदारों की वजह से रह जा रही हैं या इंजीनियर्स की वजह से रह जा रही हैं, इन लोगों पर भी हमारी गवर्नमेंट को तगड़े से फोकस लेना चाहिए, इन सबको फोकस में रखना चाहिए।